यही कारण है मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ, दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। इसी वजह से वो मुझे पसंद नहीं करती है, दैट्स वाई सी डजेंट लाइक मी। इसी कारण मैंने ये नौकरी छोड़ दी, दैट्स वाई आई रिजाइंड दिस जॉब। इसी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, दैट्स वाई आई कुड नॉट मैरी यू। इसी कारण मैंने सब कुछ त्याग दिया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना होगा। काश तुम अविवाहित होते, वुड दैट यू वर अनमैरिड। काश हम यहाँ अकेले होते, वुड दैट वी वर एलोन हियर। काश वह मेरी माँ होती, वुड दैट सी वर माई मदर। काश वो मेरे साथ होती, वुड दैट सी वर विद मी। काश तुम मेरे होते, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। माँ प्रेम का प्रतीक होती है, मदर इज ए सिंबल ऑफ लव। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, हेवन लाइज अंडर मदर्स फीट। माँ तुझे अब ढूंढूं कहाँ, मदर वर डिड आई सर्च फॉर यू नाउ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, माई मदर मैटर्स लोड्स टू मी। माँ का सम्मान करो, ये तुम्हें दूसरी नहीं मिलेगी। रेस्पेक्ट मदर, यू विल नेवर फाइंड अनदर। माँ तो माँ होती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना होगा। अब मेरा क्या होगा, वाट विल बिकम ऑफ मी नाउ। अब तेरा क्या होगा, वाट विल बिकम ऑफ यू नाउ। अब मेरी नौकरी का क्या होगा, वाट वुड बिकम ऑफ माई जॉब नाउ। भविष्य में इस बच्चे का क्या होगा, वाट विल बिकम ऑफ दिस चाइल्ड इन फ्यूचर। 2024 में भाजपा का क्या होगा, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना होगा। अब मैं सोना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्लीप नाउ। मैं एक कप चाय पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। क्या तुम मेरे कमरे में रुकना चाहोगे, वुड यू लाइक टू स्टे इन माई रूम। क्या वह यहाँ आना चाहेगा, वुड सी लाइक टू कम हेयर। क्या वो तुमसे शादी करना चाहेगा, इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। ये क्या हाल हो गया तुम्हारा, वाट हैज़ बिकम ऑफ यू। क्या इस बच्चे का ये क्या हाल हो गया, वाट हैज़ बिकम ऑफ दिस चाइल्ड। क्या हाल हो गया तुम्हारे माँ बाप का, वाट हैज़ बिकम ऑफ योर पेरेंट्स। क्या हाल हो गया इस गांव का, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। मेरा मतलब नहीं था या नहीं है, आई डिडंट या आई डोंट मीन। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। हमारा मतलब उसको परेशान करना नहीं था, वी डिडंट मीन टू बॉदर हियर। मेरा मतलब तुमको शर्मिंदा करना नहीं है, आई डोंट मीन टू एम्प्रेस यू। उसका मतलब तुम्हारी बेइज्जती करना नहीं है, सी डजंट मीन टू इंसर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें रुलाना नहीं था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम लर्न, उसे सीखने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट देम डू, उसे करने दो। लेट मी बॉथ, मुझे नहाने दो। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना होगा। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, इसके लिए आपको लुकिंग फॉरवर्ड टू का प्रयोग करना है। मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। मैं बेसब्री से तुम्हारे कॉल का इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉल। मैं बेसब्री से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। मैं बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई रिजल्ट। मैं बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे। पापा बेसब्री से तुम्हारे परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, कमेंट करें।